नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच और तुकोगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी संदीप निवासी बाणगंगा पारस निवासी हरसूद और चोरी के वाहन खरीदने वाले एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी संदीप और पारस शहर से वाहन चोरी कर एक अन्य आरोपी को मनावर में सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। आरोपियों के पास से 10 दो पहिया वाहन और एक राउ क्षेत्र से चोरी की गई कार मिली है। आरोपियों ने ये भी सभी वाहन पिछले 2 महीने में चुराए थे, जिसमें 4 तुकोगंज के, 3 भवरकुआ के, 1 बाणगंगा का, 1 एरोड्रम का, 1 राउ की चुराई गई कार शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में वाहन चोरी करने का कारण लॉकडाउन में घर की आर्थिक स्थिति खराब होना बताया है। पुलिस ने अंदेशा जताया कि वाहन चोरी के इस गैंग में और भी लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं। ये जो कि लगातार क्राइम ब्रांच इस पर काम कर रही है और जो नकबजनी की वारदातें हैं और वाहन चोरी की जैसे कि वारदातें लगातार मतलब दिन में मतलब डेली 5 से 6 वारदातें डेली होती हैं, तो लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। जो ऐसे हमें ऐसे गैंग की तलाश थी जो प्रेजेंट में जो चोरी कर रहा हो, जिसमें वर्तमान के वाहन मिले, तो लगातार काम करने की दिशा में कई आधा दर्जन लोगों को भी पूछताछ की गई थी। लगभग हम पिछले 1 महीने से तकरीबन 50 से ज़्यादा जो कि वाहन चोरी में सस्पेक्टेड व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुके हैं, तो उसी में ये सफलता मिली है, जिसमें कि 2 संदीप और पारस, ये संदीप जो कि थाना बागंगा का क्षेत्र का रहने वाला और पारस हरसूद का रहने वाला है खंडवा का, ये दोनों बेसिकली वाहन चोरी किया करते थे, जिसमें से कि 4 वाहन तुकोगंज के, 3 भवरकुआ के, 1 बाणगंगा का, 1 एरोड्रम का और इसके अलावा राऊ में एक चोरी हुई थी, जिसमें कि एक 4-व्हीलर गई थी और चाबी भी गई थी और मोबाइल भी गया था और कुछ सामान गया था, तो वो भी उनके द्वारा घटना कबूल की गई है। इनके द्वारा मास्टर की का इस्तेमाल किया जाता था और जितने भी जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर, जैसे मॉल के पास है या फिर बहुत ज़्यादा सघन एरिया है, वहाँ से मास्टर की को यूज़ करके और उसको फिर चोरी कर लिया जाता था। अभी तक टोटल 11 वाहन इनसे मिल चुके हैं, जिसमें 10 प्रकरणों में FIR है, जो पिछले 2 महीनों में FIR हुई हैं, तो सब ताज़ी घटनाएं हैं। 10 FIR इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें ये तुकोगंज के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये चोरी के वाहन जो खरीदता था वो रहने वाला है मनावर का, तो मनावर का जब उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके द्वारा इन वाहनों को जो 2 चोर थे इसको 5,000 रुपये में बेचते थे और वो उनको आगे बढ़ा के 8,000 में, 9,000 में वो धार में जो मनावर है वहाँ पर उनकी खपत कराता था। चूँकि अभी उनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे और पूछताछ चल रही है, 11 वाहन ऑलरेडी जब्त हो चुके हैं, 10 वाहन वर्तमान घटनाओं के हैं जो पिछले 2 महीनों में वारदातें हुई हैं चोरी की, जिसमें 4 तुकोगंज की हैं, 3 भवरकुआ की FIR, 1 बाणगंगा की FIR, 1 एरोड्रम की FIR, 1 राव की FIR है राव की। तो इस तरह से 11 घटनाओं का इसमें खुलासा हुआ है, 11 FIRों का इसमें डिस्पोजल हुआ है। इसके अलावा और पूछताछ की जा रही है और इनसे और भी वाहन मिलेंगे, क्योंकि रिलीवेंट गैंग है जो वर्तमान में लगातार ये चोरियां कर रहा है। इसमें ये भी अंदेशा है ना, ये केवल 2 ना होके इनके साथ कोई और भी लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में पुराने चोर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 5 से 6 वारदातें डेली वाहन चोरी की प्रतिदिन होती है, तो इसमें हम ये भी तलाश रहे हैं संभावना, कहीं पूरा ये बड़ा गैंग तो नहीं है जिसमें कि अलग अलग एरिया बांटकर ये वारदात करता हो। इसके अलावा भी चूँकि और भी लगातार हम संदिग्ध लोगों पर काम कर रहे हैं, इस वाहन चोरी के अलावा भी और भी हम वाहन चोरों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण क्या है चोरी करने का? ये बेसिकली सभी लोग आर्थिक रूप से काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं और ये चूँकि लॉकडाउन की वजह से, जैसा इन्होंने बताया गया था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन चूँकि इनका लॉकडाउन से पहले भी इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, इन पर 3-3 अपराध दो लोगों पंजीबद्ध, तो आदतन और अभ्यस्त अपराधी है ये, तो निश्चित रूप से इसमें चूंकि इनके द्वारा एक क्लू लिया जा रहा है, ये कारण लिया जा रहा है कि आर्थिक उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इसमें कोई इसलिए दम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी इनके 3-3 अपराध पंजीबद्ध है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, इससे मुझे पूर्व संभावना है कि इससे और भी वाहन मिलेंगे। ये बेसिकली क्या करते थे, जैसे पार्किंग है, पार्किंग में धीरे से रख दिया, कहीं ऐसे जो जैसे मॉल के आसपास, जैसे मॉल से चोरी की, अब कहीं कोई जैसे कि मल्टीप्लेक्स है या फिर कहीं भी या फिर टाउनशिप है, तो वहाँ आसपास धीरे से उस वाहन को रख दिया, 2-3 दिन बाद उसको फिर गायब कर दिया। तो शुरू में चूँकि उनको ऐसा लगता था, पूछताछ उन्होंने बताया कि जब वाहन चोरी होती तो चेकिंग लग जाती थी, तो हमें ये डर रहता था कि कहीं ये चेकिंग में ना पकड़ी जाए, तो हम उसको 2 से 3 दिन तक अलग अलग स्थानों में छुपा के रखते थे, खड़ी कर जाते थे, फिर बाद में उसको रात में जब भी सही समय होता तब उसको उठा के और फिर वो दूसरे ज़िले में धार में, जो मनावर में, जैसा कि मैंने बताया था, मनावर में जो खरीदता था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसको बेच देते थे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज़ को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।